हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी कम बचा है और जल्दी जल्दी सारा चीज़ का रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो जीव विज्ञान है, BEd सेकेंड सेमेस्टर का, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस थे। और आज के वीडियो में भी फर्स्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट रहेगा, और इसमें भी अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हमारा गोल्ड सीरीज से कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, चार यूनिट टोटल हैं इस पर। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखते हैं, और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो पैडागोजी सब्जेक्ट है ना, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उसके कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व करने में। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इस पर ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस सन में किया। ठीक है, ऑप्शन दिया गया इस पर 1956, 1963, 1964 या फिर 1865 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1956। ठीक है, देखिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि कीवर्ड जो मैं बता रहा हूँ उनको, वो वाले क्वेश्चन तो आप जरूर से जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो देखिए एक ईयर वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इससे ये मान के चलिए हर एक जितने भी सब्जेक्ट है, इस पे आपके अगर ईयर वाले क्वेश्चन हैं तो कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और इस पे कन्फ्यूज़न हो जाती है तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद पार्ट्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है, पार्ट्स वाले क्वेश्चन भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है तो इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बुक है तो बुक वाले क्वेश्चंस, ठीक, फिर बुक के बाद आपका फुल फॉर्म, फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी कथन देखिए बहुत सारे हो जाते हैं, तो कथन तो आने ही आना है, वो भी कन्फर्म है। चलिए आगे देखते हैं, इस पे दिया गया है करके सीखने की विधि किस पर आधारित है, प्रेरणा में या फिर अधिगम में या फिर शिक्षण में या फिर विकास में। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रेरणा में। ठीक है, चलिए कृषि वन अपशिष्टों के उदाहरण हैं विभिन्न रसायनों का निर्माण या फिर एंटीबायोटिक या फिर सड़े गड़े पत्ते या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, फिर दिया गया सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है नाइट्रोजन फ्रिक्शंस या फिर म्यूटेशन या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर है एस सी पी का नाम क्या है, एक कोशिकीय प्रोटीन है या फिर द्वि कोशिकीय प्रोटीन है या फिर त्रि कोशिकीय प्रोटीन है या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, द्वि कोशिकीय प्रोटीन है। फिर है टिश्यू कल्चर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, सब्जियों के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में या फिर व्यावसायिक उत्पादन में या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। ठीक है, सभी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, सब्जियों में भी, फलों में भी और व्यावसायिक उत्पादन में भी। फिर दिया गया पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, सिरा के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया निम्न में से शिक्षण पद कितने प्रकार के होते हैं, छः होते हैं, सात है, आठ है या फिर नौ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सात होते हैं। फिर दिया गया है एंटोमोलॉजी में अनुसंधान कार्य डैस ने किया है। ठीक है, तो इससे पहला ऑप्शन दिया गया हेनरी वॉल्टर बैट्स ने या फिर चार्ल्स डार्विन ने या फिर रॉबर्ट कोच ने या फिर जॉन हेनरी फेब्रे ने। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जॉन हेनरी फेब्रे ने किया। फिर इसके बाद दिया गया पेंसिलिन का आविष्कार किया डैस ने, तो सर अलेक्जेंडर फ्रेमिंग या फिर चार्ल्स डार्विन या फिर अर्नेस्ट हेकल या फिर रॉबर्ट कोच। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, 61 का ए ऑप्शन हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा, आविष्कार वाले क्वेश्चन जितने भी आपको मिलेंगे बायोलॉजी में अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे, तो इनमें से भी आपके क्वेश्चन से दो चार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए 62 नंबर में दिया गया कृत्रिम
उपकरणों तथा अंगों के निर्माण व उपयोग संबंधी कार्य हैं। पहला दिया गया है बायोमेडिकल इंजीनियर या फिर बायोटेक्नोलॉजिस्ट या फिर कम्युनिकेशनल्स बायोलॉजिस्ट या फिर बायो इन्फा मोटेशियल। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस, बायोमेडिकल इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया झींगा मछली का पालन संरक्षण अधिकारी डैश का किसका है, तो प्राउन फार्मिंग विशेषज्ञ का या फिर सीरीकल्चरिस्ट का या फिर फिशरी विशेषज्ञ का या फिर वाटर एनिमल स्पेशलिस्ट का। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 63 का ए हो जाएगा। फिर दिया गया RCEM सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर क्या है, तो इस पे दिया गया रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मद्रास, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुंबई या फिर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेरठ। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मैसूर से याद रखिएगा। ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ, ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ से घुमा देगी क्या इस पर कुछ चेंज कर देगा। ठीक है, तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है। फिर इसके बाद दिया गया अनुक्रिया में क्या आवश्यक होता है, तो अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा, अनुक्रिया में संतोष या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है अवलोकन कौशल, प्रायोगिक कौशल या फिर महत्वपूर्ण सोच कौशल या फिर उपयुक्त सभी। और इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट दिया गया क्रियात्मक क्षेत्र में कितने प्रकार हैं, पांच है, छह है, चार है या फिर सात है। तो याद रखिएगा क्रियात्मक क्षेत्र में छह पार्ट हैं। ठीक है, 6 हो जाएगा इसका आंसर कुछ, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर इसके बाद दिया गया है RCEM उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया है, तो ब्लूम की या फिर लैमार्क की या फिर ल्यू हॉक की या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्लूम की। फिर दिया गया है ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है, तो मौखिक तथा लिखित साक्षात्कार या फिर निबंधात्मक परीक्षाएं या फिर प्रदर्शन। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, से मौखिक तथा लिखित। फिर इस पे दिया गया NCERT उपागम को किसने प्रस्तुत किया है, तो प्रोफेसर HR श्रीवास्तव, GP सूरी या फिर दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ने करा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। और इस पे दिया गया जैव विज्ञान शिक्षण से संबंधित विद्यार्थी ज्ञान का क्या आशय समझते हैं, तो प्रत्यास्मरण द्वारा या फिर प्रत्याभिज्ञान द्वारा या फिर तत्वों के अंकित द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हैं इसके। फिर दिया गया जैव विज्ञान शिक्षण में कौशल है संकल्पना या फिर परिकल्पना या फिर सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को किसने दिया, तो रॉबर्ट मिलर ने या फिर रॉबर्ट मैगर विधि ने या फिर लैमार्क या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, से रॉबर्ट मैगर विधि ने किया है। फिर इसके बाद सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण है बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई या फिर एल्गी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, से बैक्टीरिया। फिर दिया गया है बालक के व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित तो उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य सन 1992 में डैश ने किया, तो किसने किया है। ऑप्शन दिया गया है इस पे सिम्पसन, हैरो या फिर डीवी या फिर वुंड। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, से हैरो। फिर दिया गया क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है आधारभूत अंग संचालन या फिर प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं या फिर कौशल युक्त अंग संचालन या फिर सांकेतिक संप्रेक्षण।
और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया शिक्षण उद्देश्यों के व्यावहारिक रूप में लेखन में तृतीय सोपान है, तो तृतीय सोपान बताना कि कौन सा है। ऑप्शन दिया गया शिक्षण, एक सेकंड, हाँ, शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण या फिर पाठ्य वस्तु विश्लेषण या फिर संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण या फिर त्रिभुजी तालिका निर्माण, और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, संदर्भित मैट्रिक्स निर्माण। फिर दिया गया है डैश शिक्षण उद्देश्यों का को व्यवहारिक भाषा में लिखने का उपागम नहीं है। ऑप्शन दिया गया रॉबर्ट मेगर उपागम या फिर रॉबर्ट मिलर उपागम या फिर आर सी ई एम उपागम या फिर जे एस मिल उपागम, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जे एस मिल उपागम। फिर दिया गया 80 नंबर में क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है लेखन विधि में मेगर ने डैश के वर्गीकरण को आधार माना है, ब्लूम ने, रॉबर्ट मिलर ने, ये आर सी ई एम ने या फिर सिम्पसन ने, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्लूम। फिर है ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष संबंधी कार्यपरक क्रियाओं की सूची में अनुवाद करना डैश के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, प्रयोग है या विश्लेषण, और इसका आंसर हो जाएगा बोध, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद दिया गया वैश्वीकरण में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मुद्रित सामग्री की या फिर संदेश प्रणाली की या फिर टेलीविजन की या फिर ये सभी, और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी की है। फिर है दूरदर्शी का आविष्कार, देखिए मैंने आविष्कार और खोज वाले क्वेश्चंस पहले भी बताए हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बायोलॉजी में आपके पूछे ही जाने हैं, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें दिया गया दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर टेरी सेली ने या फिर गैलीलियो ने या फिर पास्कल ने या फिर आर्किमिडीज ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गैलीलियो ने किया था। फिर एक्सरे की खोज की किसने करी, न्यूटन ने करी, रॉन्टजन ने करी या फिर से एडिसन ने करी या फिर फैराडे ने करी, और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रॉन्टजन ने करी है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने करी है, चैडविक ने करी है, थॉम्सन ने करी या फिर पास्कल ने करी है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, तो थॉम्सन ने करी है। फिर इसके बाद दिया गया रेडियो एक्टिविटी की खोज की है किसने करी है, बेकुलर ने करी है, मैडम क्यूरी ने करी है, एडवर्ड टेलर ने करी या फिर एम एन शाह ने करी है, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, बेकुलर ने करी है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है सूक्ष्मदर्शी पर कार्य किया था, तो किसने करा था, ल्यू वैन हॉक ने करा था या फिर लैमार्क है या फिर जैनर है या फिर लेनेक है, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इसमें दिया गया जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं, तो ऑप्शन दिया गया पादप जेनेटिक्स या फिर औद्योगिक जैव सामयिकी या फिर अंतरिक्ष जैविकी या फिर उपयोग सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन दिया गया है इस पे न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियो पेस्टिसाइड, और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, न्यूक्लियोटाइड के लिए। फिर है निम्न में से कौन बायो फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, तो अनुवांशिकी है, रेडियोस सम स्थानिक है या फिर हृदय ध्वनि लेख है या फिर उपयुक्त सभी, और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पौधों में उत्संवेदन की क्रिया किसके द्वारा कराई जाती है, तो ऑप्शन दिए गए रसारोहण के द्वारा, रंध्र के द्वारा या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या फिर स्टोमेटा के द्वारा, और 91 का ए आंसर हो जाएगा रसारोहण के द्वारा। फिर दिया गया जीवों के उद्विकास से संबंधित है, तो शारीरिक रचना है, कार्यकी रचना है या फिर मानसिक रचना है या फिर उपयुक्त सभी,
और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सुपरयोग सभी। ठीक है, तो तीनों रचना हो जाएंगी इस पे। फिर दिया गया शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है, विद्यार्थी का व्यवहार, विद्यार्थी का स्तर या फिर विद्यार्थी का ज्ञान या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से विद्यार्थी का व्यवहार। फिर दिया गया निम्न में से फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है, तो भोज्य पदार्थ से या फिर संतुलित आहार से या फिर पोषक तत्व से या फिर रॉ मटेरियल से। तो निम्न में से फूड जो टेक्नोलॉजी संबंधित है किससे है, भोज्य पदार्थ से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। और इसमें दिया गया डैस ने प्रथम बार एक ऐसी सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जिसकी सहायता तथा रक्त कोशिकाओं का उचित अध्ययन संभव हो सका। तो एंटोनी वेन लो वेन हॉक या फिर रॉबर्ट हुक या फिर जेन इंजेन होज या फिर क्लोराड बर्नार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। शिट, एक सेकेंड। हाँ, 95 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, एंटोनी वेन लोवेन हॉक। फिर इसके बाद दिया गया विज्ञान शिक्षण में निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। तो इस पर दिया गया अतिरिक्त कक्षाएं हैं, व्यायाम है या फिर विशिष्ट कार्यपरक है या फिर समूह चर्चा है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, अतिरिक्त कक्षाएं। फिर इसके बाद दिया गया आरसीएम उपागम के सोपान कौन है। तो इस पर दिया गया अदा है, प्रक्रिया है, प्रदा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिए फुल फॉर्म भी इस पर आ गया, आर एल ओ सी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन दिया गया रियल लर्निंग आउटकम्स या फिर रियलिटी लर्निंग आउटकम्स या फिर रियल लर्न आउटकम्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, रियल लर्निंग आउटकम्स। फिर इसके बाद दिया गया है शिक्षण उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है। तो व्यवहारिक रूप द्वारा या फिर अधिगम द्वारा या फिर अनुक्रिया द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर इसके बाद दिया क्रियाशीलता डैश की जाती है। तो ऑप्शन दिया गया इस पे संकेत द्वारा या फिर अनुक्रिया द्वारा या फिर उद्दीपक द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया द्वारा। फिर दिया गया है रॉबर्ट मिलर ने डैश किया, तो क्या किया था, उपागम का विकास किया था या फिर अनुक्रिया का विकास या फिर उद्दीपक का विकास या फिर अधिगम का विकास। और इसका आंसर हो जाएगा उपागम का विकास। ठीक है, तो ये हमारा रहा जो बायोलॉजी का पहला यूनिट है गोल्ड सीरीज का, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट करेंगे सेकंड यूनिट और जल्द ही ये जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करके फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। जो मैं बार बार कीवर्ड्स बताता हूँ उनका एक पूरा मैं फोल्डर बनाऊंगा, उस पर आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और जो भी नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।